पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह पानी बेचने को लेकर मचा विवाद। वाहन चालकों की शिकायत पर समान थाना पुलिस ने की कार्यवाही। मामला मिश्रा पेट्रोल पंप का। शहर में कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो खाद्य विभाग की अनदेखी के चलते मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। ताजा मामला सामने आया बुधवार को समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नए बस स्टैंड के पास संचालिता कांग्रेस नेत्री सरोजनी मिश्रा के मिश्रा पेट्रोल पंप पर, जहां पर ग्राहकों को मिलावटी पेट्रोल दिया जा रहा था और पंप पेट्रोल की जगह पानी उगल रहा था। फिर क्या था, ग्राहकों ने हंगामा शुरू कर दिया और वहां पर काफी विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस के साथ ही खाद्य विभाग को दी गई। इसके बाद पुलिस तो जल्दी ही पहुंच गई, लेकिन खाद्य विभाग की टीम घंटों बाद पहुंची, जिससे लोगों में काफी नाराजगी दिखी। पेट्रोल पंप का सैंपल पुलिस ने जब्त कर लिया और मामले की जांच खाद्य विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। और दूसरा बॉटल दिखाइए ना, जिसमें अरे सभी बॉटल लाओ ना, सब बॉटल लाइए, पूरे बॉटल लाइए, क्योंकि बढ़ जाता है। 2 मिनट होगी दादा, तो होगा, देखिए कंडीशन देखिए। शांत रहे, शांत रहे, और बाटी लाओ दूसरी बार जा, संजय दूसरी बारी बाटी लाओ, ड्रम ले आओ, ड्रम ड्रम ले आओ, बाहर रख, बाहर रख दो। BS4 है ये, BS4 डीजल की कई जगह रहा था, कई मोड आठ नंबर 16 यहीं पे रहता हूँ। सुबह जब मैं आया तो मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म था, थोड़ा बहुत था, तो मैं यहाँ पे आया, 210 रुपये का पेट्रोल डलवाया और डलवाने के बाद यहाँ से बस स्टैंड तक गया तो गाड़ी बार बार जब बंद हो जा रही थी, जैसे पहली बार बंद हुई मैं सोचा शायद कोई प्रॉब्लम होगी, गाड़ी फिर से बंद हुई, बार बार बंद हुई हो रही थी, मैंने खड़ी कर दिया बस स्टैंड यहीं पे गाड़ी, और वहीं पे पास पे मैकेनिक था, जब वो आ गया मैं उसका वेट किया, जब आ गया वो तो मेरी गाड़ी को चेक किया, तो पहले प्लग चेक किया, प्लग चेक करने के बाद उसने नोजल खोला, कार्बेटर के बाजू में रहता है नोजल, नोजल को खोला, उसमें पानी निकाला, बोला इसमें भैया पानी भरा हुआ है। इसके बाद 10 मिनट बाद गाड़ी फिटिंग किया और जब पाइप लगाने लगा उसमें 5 मिनट में उसमें नोजल में, तो उससे पानी और पेट्रोल दोनों आधे आधा रहा, बोला भैया इसमें तो पानी आ रहा है। इसके बाद उसने बोतल दिया हमको, बोतल में पूरा पेट्रोल निकाले, तो इसमें यही ये पूरा पानी और ये पेट्रोल दोनों निकला इस बोतल में, 210 रुपए का डलवाया था, यानी 2 लीटर से ज़्यादा था। क्या नाम है पेट्रोल मालिक का, पेट्रोल मिश्रा पेट्रोल पंप, मिश्रा पेट्रोल पंप के नाम से हम लोग जानते हैं। सब लोगों को ले गई थाने, थाने हमने, हम भी गए वहाँ, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, वहाँ 4 से 10 बोतल और पड़े हुए थे, क्योंकि आपके ये डीजल भी था, डीजल का पूरा कलर चेंज था, मिट्टी के तेल जैसा था और पानी इसमें पेट्रोल में पानी जैसा था, तो वहाँ हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और अपनी दस्तखत भी की है और 10-12 लोग किए। कार्रवाई अभी हमारी प्रक्रिया चालू है, ऐसी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी और आप आम पब्लिक के और आप लोग के समक्ष ही जाँच चल रही है, जाँच कार्रवाई पूरी होने पर ही हम बता पाएंगे। हमारी जो खाद्य विभाग की जो प्रक्रिया है वो पूरी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, हम सैंपलिंग ले रहे हैं, आप लोग भी इसमें मौजूद हैं, सैंपलिंग लेने के पश्चात हमारी जो ये सैंपल है ये
भेजी जाएगी लैब में और उसके पश्चात अगर हम इनके यहाँ कुछ पाया जाता है तो हम कार्रवाई अवश्य करेंगे। शिकायत हमें प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा जो कुछ हितग्राहियों ने जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने आए थे उनकी शिकायत थी कि पेट्रोल में कुछ गड़बड़ी है। अपन ने मौके पर सैंपल लिया है, इनकी बिक्री रोक दी गई है और उसकी जाँच जारी है। जाँच पूरी होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या अनियमितता हुई है या नहीं हुई। धन्यवाद।